सो गाइज, मैं हूँ हरीश और आप देख रहे हैं हरीश प्रोजेक्ट्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से अनबॉक्सिंग करेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान का। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मेरे पास एक बड़ा सा बॉक्स और भी है जो कि मैं नीचे में रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 5 होने वाला है मेरे ख्याल से। इससे भी पहले मैंने और भी बहुत सारे अनबॉक्सिंग्स किया हुआ है जिसको देखकर आपने बहुत मजे किए थे। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना अच्छे से, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको मैं जरूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हमारे वेबसाइट से कूपन कोड कैसे मिल सकता है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको ऑफर मिल सकता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो को देखकर आप कैसे किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना सीख सकते हैं कंप्यूटर से और मोबाइल फ़ोन से। तो वीडियो को पूरा देखना, मज़ा आएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और मैं हूँ हरीश, तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो भी जरूर करना। तो चलिए हम जल्दी से अनबॉक्सिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला बॉक्स अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। और इसके अंदर जो भी निकलेगा वो सभी आपकी ज़रूरतों का चीज़ है, ठीक है। कैमरा का जो एंगल है इसको मैं ऊपर से दिखाऊंगा, तो इसके अंदर जो भी सामान रहेगा वो आप इजीली देख पाएंगे। तो इसके अंदर है सबसे पहले 555 डीसी मोटर जो कि 12 वोल्ट में चलता है। ये देखो इसका क्वालिटी, तो ये जो है अभी मेरे पास बहुत सारे देख सकते हैं। और इसका यूज़ आप वाटर पंप बनाने के लिए कर सकते हैं और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स हो गया, फैन हो गया, इन सब को बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास ये 12 वोल्ट का एडाप्टर, इसको हम SMPS एडाप्टर भी बोल सकते हैं, जो कि 12 वोल्ट सप्लाई करता है। और इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये है 12 वोल्ट अडॉप्टर, ये देखो 2 एम्पियर का है ये। और इसका जो पिन है ये कुछ इस तरह से मिलता है। और गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इन सभी सामान को कहां से ऑर्डर कर सकते हैं अपने साइंस प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास ये एक पेल्टियर मॉड्यूल किट, तो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। इसको यूज़ करके आप बना सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी बहुत सारे कूलिंग सिस्टम। तो इसके अंदर आपको मिलता है ये हीट सिंक बड़ा वाला, ये है उसका फोम, इसमें आपको कूलिंग फैन मिलता है। और आपको फिल्टर मॉड्यूल आपको अलग से ख़रीदना होगा, लेकिन आपको हमारे वेबसाइट से इसका फुल किट मिल जाएगा विद फिल्टर मॉड्यूल के साथ। और इसके बाद है हमारे पास, ओ भाई, तो यह है हमारे पास बहुत सारे रिबन वायर्स। जो रिबन वायर्स है इसका यूज़ करके हम साइंस प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं वायरिंग करने के लिए। और इसके यूज़ बहुत सारे जगहों पर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल अच्छा होता है। तो ये सभी मटेरियल्स आप हमारे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर दिया है जहां से आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं। और इसके बाद है हमारे पास ये स्ट्रिप लाइट। सो ये जो स्ट्रिप लाइट है ये ऑनली स्ट्रिप लाइट है, मतलब कि इसके साथ आपको रिमोट वगैरह नहीं मिलेगा। हमारे पास है बहुत सारे कोरलेस मोटर, ओ भाई, यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये जो है ये सभी कोरलेस मोटर इसमें लगे हुए थे, कुछ इस तरह से सभी निकल चुके हैं और यहाँ पर चिपक गए हैं सारे। कोरलेस मोटर के बाद हमारे पास है कोरलेस ड्रोन प्रोपेलर। सो ये जो प्रोपेलर है ये कोरलेस मोटर में लगता है। और ये देखो, तो आपको पेयर के साथ मिलता है ये। और प्रोपेलर के बाद है हमारे पास ये एक 12 वोल्ट बजर, ये देखो, तो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये एक 12 वोल्ट का बजर है, तो यहाँ पर मैं दोनों बजर को दिखाता हूँ। ये है 12 वोल्ट बजर और ये है 5 वोल्ट बजर। तो यहाँ पर इसमें साइज में डिफरेंट है और इसका जो डिज़ाइन है ये दोनों सेम है। इसके बाद है हमारा दूसरा प्रोडक्ट, वो है ये स्पीकर। सो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे स्पीकर्स है, ये देखो। तो इन स्पीकर के यूज़ करके आप एक छोटा सा ब्लूटूथ किट, ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं। और आपको हमारे वेबसाइट से इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल, स्पीकर, वायर्स वगैरह, बैटरीज वगैरह मिल जाएगा। इसका साइज़ मेरे ख्याल से 2.5 इंचेस होगा। तो बॉक्स ये तो पूरा खाली हो चुका है, ये देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अब हम दूसरे बॉक्स को अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, तो दूसरा बॉक्स मैं निकालता हूँ। तो ये रहा मेरे पास दूसरा बॉक्स और इसके अंदर है बहुत सारे सोल्डरिंग आयरन जो कि बिल्कुल हाई क्वालिटी का है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है मेरे पास एक और बॉक्स और इसके अंदर भी सोल्डरिंग आयरन है, लेकिन ये दूसरे सोल्डरिंग आयरन से डिफरेंट है। ओके, देख सकते हैं मैंने दोनों बॉक्सेस को ओपन कर लिया है और इन दोनों में ही सोल्डरिंग आयरन रखे हुए हैं। तो ये जो सोल्डरिंग आयरन है मेरे पास, ये है 25 वॉट का है, पास है, देख सकते हैं बहुत सारे हैं, ये 25 वॉट का ये है। और ये जो सोल्डरिंग आयरन है ये है 60 वॉट का। इन दोनों का कलर सेम है, ओके, लेकिन पावर इसमें ज़्यादा है।
और इसका जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा अलग है इस वाले सोल्डरिंग आयरन से। ये देखो सोल्डरिंग आयरन का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। मैं वैसे तो 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन यूज़ करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, आपने वीडियो में भी देखा होगा। कोई बात नहीं, आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये है हमारा चौथा बॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा भारी है, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसका साइज पिछले वाले बॉक्स से थोड़ा सा बड़ा है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओ भाई, तो इसके अंदर ये हाई क्वालिटी का ग्लू स्टिक्स। तो ये जो ग्लू स्टिक है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब एक बार चिपकने पर ये जल्दी निकलने का नाम नहीं लेता है। ओके, और इसका जो साइज है ये है 9 inches। तो ये जो ग्लू स्टिक है ये नॉर्मल यूसेज जो होता है साइंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए, नॉर्मल वर्क होता है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। और इसका साइज है 6.5 inches। तो ये हमारे पास बहुत सारे देख सकते हैं। ओके, बहुत सारे स्विच बटन। तो यहाँ पर इन बटन्स का हम यूज़ करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ, साइड में रखता हूँ। ऑन ऑफ करने के लिए इसके यूज हम साइंस प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए करते हैं, लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए करते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस है इसके। ऐसे दूसरा बटन, इसको हम टॉगल स्विच बोलते हैं। इसके यूज आप टॉर्च में कर सकते हैं, टॉर्च वगैरह बनाने के लिए, स्विच बनाने के लिए, साइंस प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। स्विच के बाद है हमारे पास ये बहुत सारे ड्रोन बैटरीज। सो इसमें का एक जो एक बैटरी जो है ये है 800 mAh का 3.7 volt। इसके यूज़ आप ड्रोन बनाने के लिए कर सकते हैं। पास है बहुत सारे 9 volt बैटरीज पैक। सो एक पैक के अंदर है 10 पीस। तो हमारे पास यहाँ पर 10 पैक है, मतलब कि ये इसके अंदर 100 पीसेस हैं ये बैटरी, ठीक है। डीसी मोटर, सो ये जो है ये भी बहुत सारे हैं हमारे पास। ये जो डीसी मोटर है थोड़ा सा अजीब टाइप का है। ये है पावरफुल डीसी मोटर, और ये आप इसको चला सकते हैं 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक बैटरी से आप इसको चला सकते हैं। इस बॉक्स के बाद है हमारे पास ये एक अलग टाइप का आइटम, इसको मैं दिखाता हूँ। ये है ओके, सो इस पन्नी के अंदर बहुत सारे देख सकते हैं। ये है प्रोपेलर्स जो कि 5 वोल्ट डीसी मोटर में कनेक्ट होता है, और इसके यूज़ करके हम एयर फैन बनाते हैं। ओ भाई, और इसका जो क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। प्रोपेलर्स के बाद है हमारे पास ये एनर्जी जनरेटर डायनामो मोटर, इसको हम सिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं, जो कि एनर्जी जनरेट करता है। सो ये है हमारे पास बहुत सारे, और इसके यूज आप बना सकते हैं एनर्जी जनरेटर के लिए साइंस प्रोजेक्ट। तो इस मोटर के यूज़ करके हम 12 वोल्ट तक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे ग्लू गन। सो ये जो ग्लू गन है ये एक 60 वॉट का ग्लू गन है, जो कि हाई क्वालिटी का है। इसमें आपको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच बटन मिलता है, और यहाँ पर एक लाइट जलता है इंडिकेट करने के लिए। सो ये एक लीक प्रूफ ग्लू गन है। सो मज़ा आएगा, मतलब कि इसमें आपका एक्स्ट्रा जो ग्लू स्टिक्स है वो वेस्ट नहीं होगा। और ग्लू गन के बाद है हमारे पास ये बहुत सारे पेस्ट। सो इसके यूज़ हम सोल्डरिंग आयरन के लिए यूज़ करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को सोल्डरिंग करते हैं। ये हमारे पास 5 बॉक्स है, और एक बॉक्स के अंदर 20 पीसेस पेस्ट है। तो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखो। ओ भाई, मज़ा आ गया। सो इन सभी का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ओके, हमारे पास हम सब का प्यारा 775 डीसी मोटर। सो ये जो डीसी मोटर ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, इसका यूज़ करके हम कटर वगैरह बनाते हैं, एयर फैन बनाते हैं, रोबोट्स बनाते हैं, आरसी कार बनाते हैं, आरसी बोट्स बनाते हैं, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि हैवी यूजेस होता है। सो ये हमारे पास बहुत सारे देख सकते हैं, और ये एक ओरिजिनल 775 डीसी मोटर है, ये देख सकते हैं इसका क्वालिटी। और यहाँ पर ये बेयरिंग लगी हुई है, और इसका जो एक्सल है ये एक इसका डी शेप में है, ठीक है। इसका जो एक्सल है ये डी शेप में है। तो आपको इसका वाटर पंप भी मिल जाएगा 3D प्रिंटेड हमारे वेबसाइट से, और आपको ये मोटर भी मिल जाएगा। ये पूरा बॉक्स 775 डीसी मोटर से भरा हुआ है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये 3 types के 775 डीसी मोटर्स अवेलेबल है। सो पहला जो है ये देखो, इसका जो एक्सल होता है शाफ्ट, ये गोल शेप में होता है, ठीक है, राउंड शेप में, और उसमें ये बूस होता है, मतलब कि इसमें बेयरिंग नहीं होता है। सो ये एक लोकल 775 डीसी मोटर है। इसका जो अंदर का कॉपर वायर होता है, जो वाइंडिंग हुआ है, ये बहुत ज़्यादा पतला होता है, ठीक है। सो ये एक लोकल 775 डीसी मोटर है। इसके बाद है हमारे पास ये एक ओरिजिनल 775 डीसी मोटर। इसका शाफ्ट आपको डी शेप में मिलता है, ठीक है,
इसका जो पीछे का एक्सल है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला होता है, और इसका अंदर का जो कॉपर वायर होता है वाइंडिंग वो थोड़ा सा मोटा होता है, और इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और इसमें ये बैरिंग लगी हुई है, ये देखो इसमें बैरिंग नहीं लगी है, इसमें बैरिंग लगी हुई है। और इसके बाद है मेरे पास एक और डीसी मोटर है जो कि ओरिजिनल है ये भी। सो इसका जो शाफ्ट है थोड़ा सा लंबा होता है, और यहाँ पर आप नट बोल्ट्स कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके पीछे का डिज़ाइन भी अलग होता है इस वाले डीसी मोटर से, ये देखो थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। दोनों डीसी मोटर है 775, ये दोनों ओरिजिनल है, लेकिन इसका जो शेप है डिज़ाइन है थोड़ा सा चेंज है। और अगर आप 3D प्रिंटेड वाटर पंप अगर हमारे वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो इसके लिए आपको ये डी शेप वाला 775 डीसी मोटर ऑर्डर करना होगा, ठीक है, जो कि इसमें ये इजीली कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको हमारे वेबसाइट से दोनों डीसी मोटर मिल जाएगा। और अगर आप वाटर पंप बनाने के लिए लेते हैं तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा डी शाफ्ट वाला, और अगर आप हैवी प्रोजेक्ट बनाते हैं हैवी वर्किंग के लिए तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा। इन दोनों का प्राइस अलग अलग है, इसका कम है इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमने सभी पार्ट्स का अनबॉक्सिंग कर लिया है, और यहाँ पर मेरे पास कल या परसों एक और बॉक्स आने वाला है जिसको मैं अनबॉक्सिंग करूँगा अपने इस YouTube चैनल पर, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ से मैं आपको कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा जिसको आपको अच्छे से देखना होगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन मिस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी साइंस प्रोडक्ट को किस तरह से मतलब ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और कई लोग पूछते हैं कि ऑर्डर को कैंसिल कैसे करें, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑर्डर्स को अपने कैंसिल कैसे करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर से बताऊंगा कि आप किसी भी मटेरियल को ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, और आप चाहे तो फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का सेम प्रोसेस है। मोबाइल का डिस्प्ले छोटा होता है और कंप्यूटर का डिस्प्ले बड़ा होता है, बस यही इसमें डिफरेंट है, बाकी सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या कंप्यूटर में गूगल क्रोम ओपन करना होगा, जो भी आपके पास एप्लीकेशन अवेलेबल है उसमें आपको सर्च करना होगा harishprojects.com, या फिर आपको हरीश प्रोजेक्ट सर्च करना होगा, हमारा वेबसाइट टॉप पर आएगा। सो यहाँ पर मैंने ये हरीश प्रोजेक्ट सर्च किया और हमारा जो वेबसाइट है बिल्कुल टॉप पर आ चुका है, देख सकते हैं हरीश प्रोजेक्ट्स साइंस प्रोजेक्ट्स एंड अमेजिंग आइडियाज़। तो इसमें आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ये हरीश प्रोजेक्ट सर्च किया और हमारा जो वेबसाइट है बिल्कुल टॉप पर आ चुका है, देख सकते हैं हरीश प्रोजेक्ट्स साइंस प्रोजेक्ट्स एंड अमेजिंग आइडियाज़। तो इसमें आपको क्लिक करना होगा, स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ पर आप बहुत सारे स्लाइड्स वगैरह देख सकते हैं, और यह है साइंस प्रोजेक्ट्स आर्डिनो यूएनओ मोटर्स अल्ट्रासोनिक सेंसर आर्डिनो यूएनओ गियर मोटर कोरलेस मोटर 775 मोटर, और ये 3D प्रिंटेड ड्रोन फ्रेम भी है। सो जैसे कि मुझे ये 775 मोटर ऑर्डर करना है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमें ऐड टू कार्ट करना होगा यहाँ से, ये देखो ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा ऊपर, यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा जो कार्ट है यहाँ पर ये शो कर रहा है क्योंकि हमने ऐड टू कार्ट किया था। व्यू कार्ट करता हूँ पहले, ये रहा मेरा मोटर, यहाँ पर इसका जो प्राइस है 220 रुपीज़, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 335 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज ऐड हो चुका है, तो मतलब टोटल यहाँ पर 255 रुपीज़ यहाँ पर शो कर रहा है। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स डालना होगा, मतलब कि आपका जो एड्रेस होगा उसको कंफर्म करना होगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई देगा, पहला जो है वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए और दूसरा है COD के लिए, मतलब कि कैश ऑन डिलीवरी के लिए। सो यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करके किसी भी मटेरियल को ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑनली 35 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज लगेगा, और अगर आप यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर आपको 120 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज लगेगा, क्योंकि COD वाला जो ऑर्डर होता है उसको हम प्राइवेट कुरियर सर्विस से भेजते हैं जिसकी वजह से उसका डिलीवरी चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है, और यहाँ पर जो ऑनलाइन पेमेंट होता है उसको हम इंडियन पोस्ट से भेजते हैं जिसका चार्ज कम होता है। अगर मौसम अच्छा रहता है रूट अच्छा रहता है तो आपका जो प्रोडक्ट है ये आपको 5 से 8 दिन के अंदर मिल जाएगा, आपका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास रिसीव हो जाएगा। तो ऑर्डर कैसे करते हैं तो आपको पता चल गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी मेरा अनबॉक्सिंग का ही होने वाला है, और उसमें आपको ऑर्डिनो वगैरह सेंसर्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, सर्वो मोटर्स और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको देखने को मिलेंगे, तो वो आपको 2-3 दिनों के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। और गाइस ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो, आगे चलकर हम प्राइस को और भी ड्रॉप करेंगे, कूपन्स कोड भी हम जल्दी से अवेलेबल कराएंगे, अभी वो कमिंग सून है, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी अनबॉक्सिंग का ही होगा, तो उसके बाद हम साइंस प्रोजेक्ट्स वाला वीडियोस अपलोड करेंगे। तो मैं हूँ हरीश, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो जरूर करना, ये रहा इंस्टाग्राम अकाउंट, वीडियो का डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन है, हमारे वेबसाइट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड कमेंट बॉक्स में पिन है, जहां से आप इलेक्ट्रॉनिक सामान प्रोजेक्ट्स किट वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।